फुल पावर लगाकर एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए। उतने में ही नोटोरियस ने जंप लगा दिया है जिमनी के ऊपर और जिमनी की हालत। हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि आर्मा की और भी बहुत बड़ी बड़े साइज की आरसी कार्स खरीदने के लिए, तो एक और आर्मा की कार खरीद के लेके आ चुका हूं गाइस। ये है आर्मा नोटोरियस 6S। इसका साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। आज बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस इसको टेस्ट करने में। आज इसकी मैं फाइट करूंगा बहुत सारी आरसी कार्स के साथ। जैसे कि देख सकते हो, ये है सुजुकी जिमनी, यहाँ पे अपनी बहुत बड़े साइज की थार 4x4, और ये है रेलारियो आरसी कार, ये है गाइस अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट जेएलबी चीता। चलो गाइस, सबसे पहले आर्मा नोटोरियस 6S को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी पावर दी गई है। बॉक्स के ऊपर क्लियरली लिखा है कि ये 6S BLX RC कार है। इसका साइज है 1:8, यानी कि कार बहुत ज्यादा बड़े साइज की होने वाली है। इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, हर एक चीज न्यू दी गई है। स्टील बॉडी इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। 6S कैपेबल है, यानी कि इसके अंदर हम लोग 6S तक की बैटरीज डाल सकते हैं। ब्रशलेस मोटर है, 2 ईयर्स की लिमिटेड वारंटी भी इसके अंदर दी गई है। चलो गाइस, फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। यार आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर मैं बहुत ही कमाल की रील्स डालता रहता हूँ। यार मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कार इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगी। आज आर्मा नोटोरियस के अंदर हम लोग ये वाली बैटरीज यूज करने वाले हैं। ये है 5200 mAh की दो बैटरीज, 3S बैटरीज है ये, एक एक बैटरीज का प्राइस है 10,000 rupees, ये कार का प्राइस है 84,000 rupees। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो। ये इसके कुछ पार्ट्स वगैरह दिए गए, कुछ टूल्स है, और ये भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स है, अगर टूट जाते हैं तो इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये गियर डालेंगे तो ये कार की टॉप स्पीड 150 km/h तक जा सकती। ये वारंटी कार्ड है और ये है इसकी यूजर गाइड। अभी निकालते हैं हमारी कार को। ये आ गई गाइस हमारी आर्मा नोटोरियस 6S। ओ भाई, व्हील्स तो देखो यार इसके कितने ज्यादा बड़े साइज के हैं। तो सबसे पहले इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। तो सभी आर्मा कार्स में जो रिमोट मिलता है, इसके अंदर भी वही रिमोट दिया गया है। स्टीयरिंग पहले जैसी बहुत ज्यादा टेक्टाइल है। इस कार का साइज देख सकते हो यार, कितना ज्यादा कमाल का है। व्हील्स बहुत ही ज्यादा कमाल के इसके अंदर, और इसके ऊपर ग्रिप देखो यार बहुत ही तगड़ी वाली दी गई है। इसके अंदर दिए गए कॉपर हेड वाले व्हील्स, और भाई आज इसको ऑफ रोड चलाने में बड़ा ही मजा आने वाला है। सामने आर्मा की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है, यहाँ पे इसकी टैग लाइन है डोंट जस्ट बैश ब्लास्ट बोल के दिया गया, यहाँ पे इसका नंबर वगैरह भी है। कलर सच में यार मेरे को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसका लग रहा है। इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल भी अपन लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे व्हीली बार भी इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अंदर की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टडी प्लास्टिक दिया हुआ है। तो सस्पेंशन आप देख सकते हो, ऑयल फील्ड सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन एडजस्ट भी किया जा सकता है। सर्वो पूरी तरीके से डिजिटल वाला इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसका फैन है, इसका ESC नीचे लगा हुआ है। ये है स्पेक्ट्रम की मोटर, 2050 kV की इसके अंदर मोटर दी गई है, और ये कार कंप्लीटली वाटरप्रूफ भी है। और यहाँ पर एक टी बार भी देखने को मिल जाता है ताकि इसकी बॉडी बहुत ही स्टडी रह सके। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो कंप्लीटली मेटल की बॉडी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। जेएलबी चीता के अंदर अभी मैंने एक चीज नोटिस किया, आज टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा चुका है। ये कार तो बहुत ज्यादा मजबूत है, नो डाउट, पर देखो यार इसकी बॉडी एकदम घटिया है भाई। यहाँ से ये पिघलने लगी यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। इसका शेप पूरा गोल होता था यार, यहाँ से देखो अभी ये दब के अंदर जा चुका है, और सामने भी यहाँ से ये अभी पिघलने लगी है। बाकी इन दोनों के बीच में हम लोग आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं यार। दोनों के व्हील्स के अंदर देखो बहुत ही कम फर्क दिया गया है। जैसे कि इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप ज्यादा है, इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप कम है। साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस कम मेरे को लग रहा है। बाकी इसके अंदर सेम मोटर है, इसके अंदर भी सेम मोटर दी गई है, इसके अंदर भी ऑयल फील्ड सस्पेंशन है, इसके अंदर भी ऑयल फील्ड सस्पेंशन दिए गए। चलो गाइस अभी कराते हैं फाइट, देखते हैं आज इन सब में से कौन जीतता है, देखते हैं नोटोरियस कितनी फास्ट तरीके से चल सकती है। तो यार सबसे पहले मैं आर्मा नोटोरियस को टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ऑन करने के बाद इसके अंदर ऐसी आवाज आती है, हर एक आर्मा कार के अंदर बिल्कुल ऐसी आवाज आती है। फटाफट से उसको टेस्ट करके देखते हैं। भाई इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा दी गई है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भी ट्रिगर प्रेस नहीं किया यार, देखो कार ऐसे पलट चुकी है। एक और बार मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा दी गई है। अभी देखो यार मैंने हाफ ट्रिगर ही प्रेस किया था, कार एकदम से रोड के ऊपर रगड़ खाती हुई गई थी। इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा मजबूत दी गई है। अब इस कार को मैं थोड़ा सा देख समझ के ही चलाऊंगा यार, ब्रेक इसके बहुत ही परफेक्ट दिए गए हैं। अब मैं रेलारियो कार को टच करूंगा गाइस। नोटोरियस को चलाने के बाद ये कार एकदम से छोटी लगने लगी है, और इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है यार नोटोरियस के मुकाबले में। और ये कार बिल्कुल एक रॉकेट जैसा निकल जाती है, आप देख सकते हो और कैसे स्लाइड वगैरह मार सकती है। इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है गाइस, अब टेस्ट करते हैं जंबो 4x4 RC थार को।
को मैंने जैसे ही ऑन किया यार, इसके अंदर बिल्कुल एक रियल थार जैसी आवाज आने लगी है। इतनी बड़ी कार को हम लोग बस इतने छोटे रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं। नो डाउट ये कार थोड़ी सी स्लो चलती है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा दिया गया है, पर इसके अंदर टॉर्क बहुत ज्यादा यार, क्योंकि देखो इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ, अब ये मेरा वेट भी लेके जा सकती है यार। मेरा वेट है 70 kg। इसके हर एक व्हील के अंदर मोटर दी गई है, इस वजह से इसके अंदर जितना भी वेट आप डालोगे वो वेट ये लेके जा सकती है। तो चलो गाइस रेस कराते हैं जेएलबी जीता वर्सेस नोटोरियस के बीच में। नोटोरियस यहाँ पे वापस से पलट चुकी है, एक और बार यहाँ पे ट्राई कर ले। तो चलो गाइस इस बार रेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं। जैसे मैंने फुल स्पीड बढ़ाई है, पहले तो जेएलबी जीता आगे निकल गई थी और जेएलबी जीता की स्पीड देखो कितनी ज्यादा है। आर्मा जस्ट इसके थोड़े से ही पीछे रह गई है। फर्स्ट राउंड में जेएलबी जीता जीत चुकी है, सेकंड राउंड में भी जेएलबी जीता जीत चुकी है। यहाँ पे आर्मा नोटोरियस पूरी कोशिश कर रही है, आर्मा नोटोरियस यहाँ पे थर्ड राउंड में जीत चुकी है। बहुत ज्यादा आसानी से दोनों के बीच में गैप यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। आर्मा नोटोरियस रिली मारते हुए भाई आगे निकल चुकी है। सच में गाइस ये नोटोरियस की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसने तो यार जेएलबी जीता को ही दो राउंड्स में हरा के रख दिया है। ये कार 100 की स्पीड पे ऐसे रिली मार सकती है भाई, इतनी ज्यादा कमाल की रिली मारती है कार, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अब रेस कराते हैं रेलारियो वर्सेस नोटोरियस के बीच में। यहाँ पे रेलारियो की स्पीड टू मच है भाई साहब, ये तो नोटोरियस को हरा चुकी है फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में भी हरा चुकी है नोटोरियस को। देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीतता है। नोटोरियस यहाँ पे थर्ड राउंड में आगे निकल गई है। रेलारियो को जैसे ही मैं हाई स्पीड पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही हल्की फुल्की होने के कारण थोड़ा सा अनबैलेंस होकर साइड में क्रैश होने लग रही थी। क्लियरली यहाँ पे थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में नोटोरियस जीत चुकी है। यहाँ पे भी यार इन दोनों के बीच में टाई हो चुका है। ओके यार अब ऑफ रोड में रेस कराते हैं जिमनी के साथ नोटोरियस की। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। जिमनी तो ऑफ रोड किंग है भाई, यहाँ पे नोटोरियस जितनी स्पीड से रोड पे चलती है उतनी स्पीड से ऑफ रोड में भी चल सकती है। क्लियरली यहाँ पर जिमनी को इसने हरा दिया है। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं नोटोरियस वर्सेस जिमनी के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों फुल पावर लगाकर एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। उतने में ही नोटोरियस ने जंप लगा दिया है जिमनी के ऊपर और जिमनी की हालत देखो यार, इसका सामने का बोनट ही तोड़ के रख दिया है। स्टीयरिंग भी एक तरफ टूट के गिरी हुई है यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा मजबूत जिमनी को नोटोरियस तोड़ के रख देगी पूरी तरीके से। पूरी इसकी हालत खराब हो चुकी है यार, तो जैसे तैसे करके इसको जोड़ देते हैं यार। मेरे को नहीं लगता अभी ये जुड़ेगी क्योंकि इसके पूरे के पूरे क्लिप जो है टूट चुके हैं। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में टकऑफ और देखते हैं आप कौन जीतता है। जिमनी अपनी टूटी हुई बॉडी लेकर पूरी कोशिश कर रही है नोटोरियस को हराने के लिए, पर जिमनी यहाँ पर जीत नहीं रही यार। क्लियरली आप देख सकते हो नोटोरियस इसको बहुत आराम से मिट्टी के अंदर घसीट के लेके जा रही है। भाई साहब जिमनी की हालत देखकर मेरे को तो रोना आ गया यार। भाई इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बॉडी टूटी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। इसके अंदर मिट्टी देखो भाई कितनी ज्यादा गिर चुकी है, नोटोरियस के ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरी है। अब कराते हैं दोनों के बीच में पुशबैक रेस में, तो दोनों के बीच में टाई हो चुका था। यहाँ पे भी दोनों के बीच में टाई हो चुका है यार। एक काम करते हैं आप कराते हैं दोनों पर, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं दोनों का, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। यहाँ धूल मिट्टी में से निकल के आ चुकी है आर्मान नोटोरियस। नोटोरियस पूरी ताकत लगाकर जिमनी को खींचने की कोशिश कर रही है। जिमनी भी कुछ कम है नहीं गाइस, देखो यहाँ पे नोटोरियस को इसने रोक रखा था पर नोटोरियस व्हीली मार के आगे निकल गई है। इसके सामने के व्हील्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड होकर इसको बहुत ज्यादा ग्रिप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर आर्मान नोटोरियस जीत चुकी है। दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी भी गिर चुकी है, दोनों की हालत देखो यार कितनी ज्यादा खराब लग रही है। अब रेलारियो वर्सेस नोटोरियस के बीच में पुश बैक कराते हैं। रेलारियो बहुत ही हल्की फुल्की बहुत ही पतली सी कार है यार, ये तो नोटोरियस के नीचे से ही निकल गई है। अब एक काम कराते हैं गाइस, यहाँ पे देखो ये तीनों कार्स को मैंने एक साइड बांध दिया है और सिंगल आर्मान नोटोरियस को एक साइड बांध दिया है। देखते हैं गाइस क्या ये तीनों कार्स मिलकर अपनी आर्मान नोटोरियस को हरा पाते हैं। यानी मेरे को तो पहले लगा था कि यार ये आराम से हरा देंगे, पर नोटोरियस अभी फॉर्म में आ चुकी है, पूरी तरीके से व्हीली करके इन तीनों को रोक रखा है। इसके व्हील ज्यादा पावर बढ़ने के कारण देखो यार कैसे एक्सटेंड होकर बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे तीनों को खींच भी रही है। भाई साहब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, इसने तो यार तीनों कार को धूल चटा के रख दिया है। यहाँ पर क्लियरली नोटोरियस है विनर टकऑफ में। नोटोरियस को मैंने फुल पावर में चलाया था, इस वजह से ये ओवरहीट होने के कारण बिल्कुल भी अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसने तो यार तीनों कार्स को मिट्टी में मिला के रख दिया है पूरी तरीके से। अब आर्मान नोटोरियस की तको फोर कराते हैं 4x4 जंबो थार के साथ। देखते हैं गाइस क्या ये जंबो थार को हरा पाएगी या फिर नहीं। जंबो थार के अंदर टॉर्क ज्यादा है और ये फोर व्हील ड्राइव भी है, ये तो नोटोरियस को बड़ी आराम से खींच के लेके जा रही है। इसके व्हील्स एक्सटेंड होकर बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जंबो थार रुक नहीं रही है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो ये जंबो थार ने तो एक्स मैक्स को भी हरा दिया था, इसने तो नोटोरियस को भी हरा के रख दिया है तको फोर में। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता यार। तो ये तीनों कार्स के बीच में मैंने ड्रिफ्ट टेस्ट
टेस्ट भी करके देखा है, मेरे को जेल विजेता की ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा कमाल की लगी यार। इसके जैसी ड्रिफ्टिंग कोई दूसरी कार नहीं कर सकती है। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये चारों आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है कौशिक, सक्षम, युवराज, यश, ऋषि, हिमेश, आनंद, रौनक, अनिल, उत्कर्ष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।